नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 57,978 गांवों में एडीओ आज से प्रशासक बना दिए गए हैं, क्योंकि आज आधी रात से प्रधानी ख़त्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 57,978 ग्राम पंचायतों का शुक्रवार को कार्यकाल पूरा होने के कारण आधी रात से प्रधान पदमुक्त हो जाएंगे। उनके स्थान पर गांवों में सहायक विकास अधिकारी प्रशासक नियुक्त होंगे। उनकी नियुक्ति का अधिकार जिला अधिकारियों को सौंपा गया है। मित्रों, आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिले के 88 और गोंडा के 10 गांवों में प्रधान अपने पदों पर बने रहेंगे। मित्रों, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आधी रात के बाद प्रधानों से डोंगल वापस लेकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनरजिस्टर कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान अभी तक 15वें वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग से आवंटित हो रही राशि का उपयोग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम व ई ग्राम स्वराज के माध्यम से कर रहे थे। मित्रों, पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव न होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति नई ग्राम पंचायत के गठन या 6 माह के लिए होगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश के 98 गांवों में प्रशासक नियुक्त नहीं करे जाएंगे। उप निदेशक RS चौधरी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के 88 गांवों में, जून 2016 में गोंडा के 10 गांवों में से एक गांव में 2018 में और 2019 में चुनाव होने के कारण उक्त ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने में अभी समय है। इस कारण उक्त गांवों में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मित्रों, पंचायतों के वार्डों के आरक्षण से पूर्व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सत्यापन कराया जाएगा। वर्ष 2015 में आबादी न होने के कारण ST के लिए आरक्षित किए गए ग्राम प्रधान के 35 पद रिक्त रह गए थे। वर्ष 2015 में 336 ग्राम प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए थे। अमरोहा, बरेली, बिजनौर, चंदौली, फरुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, कौशाम्बी, मेरठ, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर और हमीरपुर को छोड़कर अन्य जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांव में सत्यापन कराने को कहा गया है।